sorry, a comma b comma c are in AP in question number 3. Now the determinant is given and you have to prove the value of this determinant is equal to 0. This is the determinant of 3 into 3 ke matrix aapka dekho now, and this question is also in bold 4 times. तो देखो अगर आपको किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको जीरो लानी है उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दो रोज को एक जैसा बना देना पड़ेगा, आइडेंटिकल बना देना पड़ेगा, एंड व्हेन दोज रोज आर कमिंग आइडेंटिकल उस समय आपकी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट. ना फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जीरो, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट, आपका ना ऑर्डर 3 into 3 is, अगर आपको 0 लाना है तो now the please make them either इनके या तो दो रोज को या दो कॉलम को आपका क्या करो, कॉलम को आइडेंटिकल बनाइए. जैसे कोई भी सवाल दिया है तो आप जैसे ये फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपने आइडेंटिकल बना दिया है तो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू आपका माइनस डिटरमिनेंट आ जाएगी, आपका प्लस डिटरमिनेंट उधर जाएगा तो आपका ना फिर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट माइनस डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाएगा. देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था, देखिए आपका ए कॉमा बी कॉमा सी है आपका नाम, देखो दिस इज में तो आपका ये है, इसकी वैल्यू मुझे जीरो लानी है. तो देखो ना सॉल्यूशन में ये हो गया, तो ना देखो एपी में जैसे आप करते थे, देखो ना ए कमा बी कमा सी, ये फाइनाइट एपी है आपका, ना देखो फाइनाइट तीन ही टर्म है आपका, इसके लिए जो पहला रूल है एपी का आपका ना, तो ये आप क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस आपका इज इक्वल टू आपका सेकेंड टर्म माइनस आपका देखो फर्स्ट टर्म, या और आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आपका थर्ड टर्म माइनस आपका देखो सेकंड टर्म, तो डी इज इक्वल टू आपका नाउ देखो दिस इज द ए2 माइनस ए1. इसको जब आप लिखते हैं आपका देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपका ऐसे लिखेंगे तो आपका देखो डी इज इक्वल टू ये हो गया, और यहां पर देखो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. ऐसे अगर आपके और भी टर्म्स होते हैं, फोर टर्म का मतलब आपका फोर और फिफ्थ का निकालना है कॉमन डिफरेंस तो ए5 माइनस ए4 हो जाएगा, सेवन और एट का निकालना है तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल ए एट माइनस ए सेवन हो जाएगा. इज इट क्लियर सर? तो कॉमन डिफरेंस आपका ये आ गया, देखिए आपका फाइन. कोई शक है तो बताइए. तो ना आप कोई भी दो बना दीजिए आपका, जैसे आर थ्री इज इक्वल टू मैंने बना दिया आर थ्री माइनस आर टू कर, आर थ्री की जगह में आर थ्री माइनस आर टू कर दोगे आप बना देखो दे सकता. इज इट क्लियर सर? और आर टू की जगह में आपका R2 की जगह में मैंने R2 माइनस R1 कर दिया. देखिए दिस इज द स्पेसिफिकेशन कि मैं सवाल को कैसे कर रहा हूं आपका ना देखो दिस. ओके तो ना डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका देखिए x1 x प्लस वन x प्लस टू और आपका देखो x प्लस थ्री. ये देखिए आपका यार पहले R2 को आ जाता हूं, देखो R2 का मतलब R2 माइनस R1 x प्लस टू आपका माइनस x प्लस वन. ये देखिए उसके बाद देखो x प्लस थ्री माइनस x प्लस टू. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है लेकिन आपका अगली नहीं. इसके बाद देखो उसके बाद x प्लस बी और माइनस x प्लस ए. ये देखिए थोड़ा सा स्पेस आपका नाम दिखना चाहिए सवाल ना कर दस. इसके बाद आर थ्री की जगह में आर थ्री माइनस आर एक्स प्लस थ्री और देखिए माइनस एक्स प्लस टू. उसके बाद देखिए ये इसके साथ है सर, इसके साथ और ना देखो दिस एक्स प्लस फोर इसे आप देखो प्लस एक्स प्लस थ्री तो ये माइनस कर दीजिएगा और ना एक्स प्लस सी एंड माइनस आप देखो एक्स प्लस थ्री अकॉर्डिंग टू दोस रूल. डिटरमिनेंट इज इक्वल देखो एक्स वन एक्स प्लस वन x प्लस टू और x प्लस थ्री ये आपने लिख दिया. उसके बाद देखो यहाँ ब्रैकेट आप खोलेंगे x प्लस टू माइनस x माइनस वन. ये देखिए नाउ x प्लस थ्री माइनस x माइनस टू. ये देखिए आर इट विल बी योर x प्लस बी माइनस x माइनस थ्री. इन द थर्ड रो x प्लस थ्री माइनस x माइनस टू x प्लस फोर माइनस x माइनस थ्री आपका देखो ना, और ये आपका x प्लस सी एक्स प्लस सी माइनस एक्स माइनस वन. ये देखिए इस एक्स प्लस वन ना देखो दिस एक्स प्लस टू ना देखो एक्स प्लस थ्री
ये अगर आप इधर आएंगे देखो तो ये आपका x से x कैंसिल, नाउ देखो दिस इज 1, x से x कैंसिल दिस इज 1, नाउ देखो किससे आपका नाउ ये आपका ये खलास हो गया, तो नाउ यू आर गेटिंग आपका b माइनस a एंड नाउ देखो दिस इज नाउ। फिर उसके बाद देखिएगा यहां पे आपका x से x कैंसिल इट्स 1 एंड नाउ अगेन इट्स 1 एंड आपका देखो दिस इज व्हाट c माइनस a। अब देखिए यहां पे कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस आपका देखो तो सेकंड टर्म b इज इक्वल आपका देखो a2 इज व्हाट, इसीलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा था ये देखो b माइनस a और d इज इक्वल देखो आपका a3, a3 का मतलब c माइनस 3 c माइनस। श्योर सर कमांड तो डिटरमिनेंट इज इक्वल आपका देखो नाउ x प्लस 1, इसमें आपका कोई तब्दीली नहीं है, देयर इज नो चेंज ऑन दिस वन। नाउ इन फैक्ट ये भी वही रहेगा, b minus a is written, b minus a is written common difference b. Again, no change into this one. This c minus b, third term minus second term, आपका देखो this is b. तो इसमें rho r2 and r3, rho यहाँ पे rows r2 and r3 are identical. ये दोनों एक जैसे हो गए, one one d, one one d हो गया आपका नाम। This is the, ये आपका R2 हो गया देखिए and this is R3। जब दो rows आपकी या दो कॉलम कोई भी आपके identical हो जाती है तो therefore the value of determinant is equal to आपका क्या हो जाएगा zero। ठीक है सर fine, कोई दिक्कत है बताइए क्या चीज कहाँ कहाँ पे ये देखो ना R2 इज इक्वल R2 माइनस R1 कर दिया, कोई जरूरी थोड़ा है R1 को कर दो आप R2 माइनस R1 कर दो, ये तो यहां पे से R3 को मैंने कोई जरूरी इसको आगे लिख दो इसको पीछे लिख दो या R1 होता है यहां पे कोई जरूरी नहीं है, यहां पे R1 की देखो मैं R1 इज इक्वल R2 माइनस R1 कर दीजिए। तो इसलिए अगर आप करते हो तो वहां माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा, तो सब में माइनस डी आ जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिए समझ रहे हो। इसका मतलब आपका द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आपका, इसका मतलब जो वो आंसर आपका आया देखो आपका वो इक्वल टू आपका देखो क्या हो जाएगा x plus 1। ये देखिए यहां पे थोड़ा सा एक लाइन और बना दीजिए ना देखो ए, मैंने यहां पे लिख तो दिया ही है तो ना देखो दिस वो आपका 1 1 b 1 1 d ये देखो और इक्वल टू आपका 0, डिटरमिनेंट ये हो गया इसकी वैल्यू आपकी 0 तो ये आपका आंसर। अगर आप जो आप कर रहे अगर R3 से बड़ा आपने क्या बोला कि अगर आपका R2 minus R3 करते ना तो आपका R2 minus X plus 2 minus X तो आपका क्या हो जाएगा उसमें से minus आपका minus 1 आ जाएगा minus 1 और ये आपका तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर minus 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 3 आता तो भी आइडेंटिकल है। Is it clear? Please do it.